ये है स्टैकेबल कंटेनर्स। हमारे घर में स्टील भी है, प्लास्टिक भी है, ग्लास भी है, क्योंकि चीजों के हिसाब से कंटेनर्स यूज करने पड़ते हैं। ये कंटेनर्स मुझे पसंद है क्योंकि काफी चौड़े हैं और साथ में इसमें काफी जगह है। ढक्कन भी इसके कमाल के हैं, काफी स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है। हम इन डब्बों को 3 साल से यूज कर रहे हैं तो अभी तक ये काफी अच्छे हैं। इनमें आप मसाले रख सकते हैं, सूखे मसाले, या फिर आप कोई भी चीज इनमें रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं। तो वर्सेटाइल कंटेनर्स है, इन्हें आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं अगर आपको फ्रिज के लिए कंटेनर्स चाहिए। तो ये एक टाइप है। इवन तो ये राउंड है, मुझे इनकी ये बात अच्छी लगती है कि ये स्टैकेबल है। ढक्कन के बीच में जो स्पेस है वो इस तरह से डिजाइन है कि दूसरा कंटेनर अगर आप रखेंगे इसके ऊपर तो ये फंस जाता है, फिसल कर भी गिरता नहीं है। तो नॉर्मली इस तरह के स्टैकेबल कंटेनर्स नहीं आते हैं, इसलिए काफी अच्छे डिजाइन है। वर्टिकल स्पेस को ज्यादा से ज्यादा यूज करने का ये काफी अच्छा तरीका है। सारे कंटेनर्स बड़े हो तब भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए कुछ एकदम छोटे छोटे एयरटाइट कंटेनर्स भी चाहिए होते हैं। जब भी हम पाउडर बनाते हैं, जैसे कि दालचीनी की पाउडर जो आप देख रहे हैं, भुना जीरा पाउडर, बेकिंग पाउडर या सोडा, जो चीजें कम क्वांटिटी में होती है, तो उनके लिए छोटे डब्बे काफी सही हो जाते हैं। ये डब्बे भी काफी अच्छे हैं, एयरटाइट है, ये भी 3-4 से ज्यादा साल पुराने हैं अभी, और ये भी काफी अच्छे से एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं। ये और एक कंटेनर है जिसमें हम नमक रखते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 साइजेस हैं। ऊपर का जो आप ढक्कन देख रहे हैं ये मेटल का है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से प्लास्टिक का है। नमक के लिए जरूरी है कि उसे कोई भी मेटल कांटेक्ट में ना आए। तो प्लास्टिक का डब्बा हो सकता है, सिरेमिक का, ग्लास का, चम्मच आप प्लास्टिक या फिर लकड़ी का ही लें। तो ये डब्बे भी काफी यूजफुल है, अलग अलग साइजेस में ये अवेलेबल है। मेटल का ढक्कन है विद प्लास्टिक कोटिंग, नमक के लिए अच्छा है। साथ में सिमिलर जो मसाले हैं, अब जो मैंने इसके पहले आपको कंटेनर्स दिखाए, इन सब कंटेनर्स में आप सेम चीजें रख सकते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन डिजाइन आप इन्हें अलग अलग जगह पर रख सकते हैं, अलग अलग तरह से स्टैक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा साइज है, हल्के से डिफरेंट डिजाइन और शेड में। ये डब्बे भी अब 3 से ज्यादा साल पुराने हैं, तो काफी अच्छे हैं ये। इन्हें अगर आप सही से मेंटेन करेंगे तो टिक जाते हैं। ऊपर जो मेटल का ढक्कन आप देख रहे हैं, इस पे पेंट की कोटिंग है, तो बस इसे धोते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये स्क्रैच ना हो जाए। नेक्स्ट है ये स्क्वायर बॉटम वाले प्लास्टिक कंटेनर्स। स्क्वायर बॉटम या फिर स्क्वायर जो साइड से होते हैं, ये डब्बे काफी अच्छे होते हैं क्योंकि ये स्पेस का मैक्सिमम यूज करते हैं, पर स्टैकिंग के हिसाब से ये इतने अच्छे नहीं है। साइज अच्छा है इनका, इनका भी ढक्कन मेटल और अंदर से प्लास्टिक का है। स्क्वायर शेप में आपको ग्लास के भी कंटेनर्स मिल जाएंगे, तो वो भी काफी अच्छे होते हैं। हमारा पास्ता स्टोर करने के लिए उन कंटेनर्स को यूज करते हैं, उनके लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये कंटेनर्स भी हमारे पास 2 साइजेस में है, छोटी मोटी अलग अलग तरह की चीजें रखने के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये क्लिप लॉक वाले कंटेनर्स। अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरह के दिखा रही हूँ जो मेरे पास है, जो हम सालों से यूज कर रहे हैं। तो ये कंटेनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली लेफ्ट ओवर खाना रखने के लिए, या फिर अगर आपको सब्जी रखनी है पकाई हुई, अब मील प्रेप के लिए आप कुछ भी रख रहे हैं। इनमें फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें स्लीव दी गई है सिलिकॉन की नीचे की तरफ। तो इस स्लीव का फायदा ये है कि इससे फिसलते नहीं है, इनकी ग्रिप अच्छी बनी रहती है। तो ये एक नई डिजाइन है, काफी अच्छी है, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। और अगर आपको नहीं चाहिए ये स्लीव्स, तो आप इन्हें निकाल भी सकते हैं। ये कंटेनर्स बहुत वर्सेटाइल है, मतलब जो डेली यूज की चीजें हैं वो आप इनमें रख सकते हैं, स्नैक रख सकते हैं, गैसकेट इसकी रिमूवेबल है तो आप इन्हें निकाल कर क्लीन कर सकते हैं। इन कंटेनर्स में आप धनिया रख सकते हैं, पुदीना रख सकते हैं, जैसा मैंने कहा आप इसकी स्लीव निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह के कंटेनर्स खरीदें, तो अच्छे ब्रांड के खरीदें, ऐसे खरीदें जिनमें आपको लिड में अगर कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए, गैसकेट चेंज करनी है, तो वो आपके लिए अवेलेबल हो, और बोरोसिलिकेट मटेरियल अच्छा हो, माइक्रोवेव सेफ हो, अवन सेफ हो। तो ये जो डब्बे मेरे पास है, ये अवन सेफ भी है, माइक्रोवेव सेफ भी है, फ्रीजर सेफ भी है। तो ऐसा नहीं करना पड़ता है कि बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा है तो गर्म करने के लिए किसी और बर्तन में ट्रांसफर करना पड़ रहा है, सेम बर्तन में रख के इन्हें फ्रिज में, फ्रीजर में और माइक्रोवेव में रखा जा सकता है। मील प्रेप के लिए भी ये काफी अच्छे हो जाते हैं, और कांच होने की वजह से इनमें अगर तेल का या मसाले का आप कुछ भी रखें तो भी इनमें स्मेल नहीं रहती है, जो कि प्लास्टिक कंटेनर्स में प्रॉब्लम होती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि पके हुए खाने के लिए मैं प्लास्टिक अवॉइड करूँ, और पके हुए खाने, ग्रेवी एंड सब्जी के लिए ग्लास का मैक्सिमम यूज करूँ या फिर स्टील के कंटेनर्स का, क्योंकि ये अच्छे से धुल जाते हैं, इनमें बिल्कुल स्मेल या फिर कलर नहीं रहता।
अब मेरे पास ये कंटेनर्स हैं जो गोल बॉटम राउंड बॉटम वाले हैं, तीन डिफरेंट हाइट्स, चार डिफरेंट हाइट्स में है मेरे पास। तो ये किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जो मेरे पास है, जो हम पिछले दो तीन सालों से यूज़ कर रहे हैं वो कंटेनर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं, तो ये कंटेनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं दाल चावल इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए। लेबलिंग का अगर आपको शौक है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनका फ़ायदा यही है कि ये ट्रांसपेरेंट है, जो भी इनमें आप स्टोर करेंगे आप देख सकेंगे, तो ये एक फ़ायदा है। लेबल आप लगा सकते हैं अगर आपके अलावा भी कोई घर में चीज़ें यूज़ करता है जिसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी पीली दाल कौन सी वाली दाल है एक्चुअल में, तब आप लेबलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये विंटेज स्टाइल हिंज लिड वाले जार्स या फिर मेसन जार्स कंटेनर्स, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इनमें आप जो भी खाना रखेंगे वो काफ़ी अच्छे से रह जाता है। ग्लास है तो ग्लास का ये फ़ायदा होता है, अचार हो पिकल हो कोई भी चीज़ हो, प्रीमिक्स हो आटा हो पका हुआ खाना हो या फिर अनाज हो, सब चीज़ें इनमें अच्छे से रह जाती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे कंटेनर्स हैं और आजकल ये इसलिए भी पॉपुलर हो रहे हैं वापस से क्योंकि दिखने में अच्छे लगते हैं। स्पेशली अगर आपको कुछ चीज़ें इनमें रखनी है कि आपके शोकेस में हो, जो डिस्प्ले पर हो, तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनका यूज़ आप जैसे मैंने कहा कि अचार या फिर ऑयली चीज़ों के लिए कर सकते हैं, प्रीमिक्स स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, स्नैक रखने के लिए कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एयरटाइट है तो आप इनमें दाल चावल भी स्टोर कर सकते हैं। इनमें भी अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो ये भी एक टाइप है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दिखने में भी ये बहुत एलिगेंट है, पर क्योंकि ये कांच के हैं तो इन्हें स्टैक करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोई एक पार्टीशन यूज़ करें। नेक्स्ट है कुकी जार्स। वैसे तो ये एक तरह के ग्लास कंटेनर्स ही है, पर इनकी जो कन्वेंशनल कुकी जार वाली डिज़ाइन है ये इन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। तो मेरे हिसाब से आप इन्हें फैंसी जार्स की तरह यूज़ कर सकते हैं जिनमें आप कुछ कुकी या फिर स्नैक्स स्टोर कर सकते हैं। बाकी भी अगर आप कुछ स्टोर कर रहे हैं तो एक बात मैं बता दूं कि ये क्लियरली स्टैकेबल नहीं है। अगर आपको एक के ऊपर एक रो बनानी है तो आपको बीच में कोई ऑर्गेनाइज़र चाहिए होगा और इसका लिड काफ़ी जगह लेता है। तो इस तरह के जार्स आप तभी ले जब आपके पास स्पेस है कुछ एक्स्ट्रा रखने की और शो के हिसाब से आपको ज़्यादा जार्स चाहिए, पर ये भी काफ़ी क्यूट है एंड एयर टाइट है। नेक्स्ट है स्क्वायर बॉटम वाले प्लास्टिक जार्स, थोड़े बड़े साइज के हैं। इन सारे जार्स की कंटेनर्स के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जार्स हम फ्रिज में रखते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रिज में ही रखें, कुछ ऐसे अलग नहीं है, आप इन्हें बाहर भी रख सकते हैं। ये भी एयर टाइट है। अगर आप प्लास्टिक प्रेफर करते हैं कुछ चीज़ों के लिए कि भाई गिर जाएगा ग्लास टूट जाएगा, तब आप यूज कर सकते हैं। ये भी हम पिछले 3 साल से यूज करें, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं तो अभी तक अच्छे हैं। एयर टाइट है लिड और अंदर की तरफ एक गैस्केट दी गई है, तो अगर आपको अनाज स्टोर करना है कुछ भी इस तरह की चीज़ स्टोर करनी है तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको कंटेनर्स दिखा रही हूँ ये बहुत सुंदर और अच्छे कंटेनर्स हैं। पिछले मेरे वीडियोस में देखकर लोगों ने पूछा था, पर ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। बहुत पहले एक शॉप पे लास्ट पीस खत्म होने तक हमने परचेज कर लिए थे। ये स्टेनलेस स्टील के डब्बे जो हमारे रेगुलर डब्बे होते हैं, पर इनका शेप है मतलब जो बॉटम है वो स्क्वायर है, तो काफ़ी ज़्यादा ये स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हैं, काफ़ी मोटे और अच्छे हैं। इनके ऊपर लेबल लगाना काफ़ी यूजफुल है क्योंकि पता चल जाता है कि अंदर क्या है। तो ये थे कुछ कंटेनर्स जो हमारे पास है अलग अलग तरह के, आप अपनी नीड के हिसाब से खरीद सकते हैं जैसे आपके लिए सूटेबल हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।